ऐसा ना, हमारे एक साथी हैं, उनकी माता जी का निधन हो गया, खिजरसराय के रहने वाले हैं। वहीं हम लोग जा रहे हैं तो रास्ते में अपने साथी लोग हैं, स्वागत किए हैं सबको, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यकर्ता को काफ़ी उम्मीद है आपसे सर। तो हम तो कार्यकर्ता के आदमी हैं यार जी, तो उम्मीद तो रहेगा ही, कार्यकर्ता सही तो नेता बनता है ना आदमी। सर जिस वक्त संगठन में आप जुड़े हुए थे, हमने आपके साथ साथ चला है, चुनाव में काफ़ी मेहनत की है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि सर ने चुनाव में हम लोगों के विपक्ष में काम किया है। चलिए उसे बरस फिर से बताएगी। आरसीपी बाबू, आरसीपी सिंह का कार्यक्रम हुआ, क्या कार्यक्रम था इनका? इधर कार्यक्रम यहाँ पे आने के दौरान कार्यकर्ताओं से मिलते जा रहे हैं, जो उनका व्यक्तित्व है, उनका विकास का कार्यक्रम चल रहा है और धीरे धीरे जनता जनार्दन से जुड़ने का कार्यक्रम ये कर रहे हैं। क्या उम्मीद लग रहा है आने वाला दिन में भाजपा में? एकदम बिल्कुल बिल्कुल भाजपा में ही शामिल होंगे और हम लोग को मार्गदर्शन करेंगे यहाँ पे। कोई संकेत आप लोग को दिए ना? संकेत है तब तो यहाँ पे आके, हम ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बीजेपी का है तो संकेत दिए तब तो आके यहाँ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं भाई। क्या लगता है भाजपा में इनके आने से कितना मजबूत होगा? बहुत, भाजपा में आने से बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगा हम लोगों को और मार्गदर्शन मिलेगा। धीरे धीरे हम लोग सशक्त भारत की तरफ, नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तरफ से हम लोग बढ़ते जाएंगे और भारत का विकास साथ साथ में बिहार का भी विकास किया जाएगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा बबलू सिंह, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सिलाव।